नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जो अभी अपडेट आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि साथ में चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, लेकिन अब इनका गठबंधन पूरी तरह से विफल हो गया है। अब कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। पहली जब सूची आम आदमी पार्टी ने जारी करी तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये हो सकता है कि दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर, लेकिन अब पूरी तरह से गठबंधन की जो सोच थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो अब दो लिस्टें आ चुकी हैं, जबकि पहली लिस्ट जो जारी करी थी 20 लोगों की, उसमें 11 ऐसे लोगों के नाम थे जहाँ पर कांग्रेसी भी थे, टिकट मिलने वाला था उनको जहाँ से वो लड़ रहे थे। तो ये जो चीज़ है अब दोनों आमने सामने आ गए हैं। दरअसल ये गठबंधन आखिर टूटा क्यों, ये समझते हैं। तो दोस्तों, गठबंधन जो टूटा है ये कांग्रेस के जो लोग हैं हरियाणा में, हरियाणा की जो यूनिट है उसके लीडर नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन में शामिल किया जाए। वैसे हरियाणा में आज तक कांग्रेस ने कभी गठबंधन नहीं किया है, वो अकेले ही चुनाव में गए हैं। तो वो ये चाहते थे कि कांग्रेस कभी भी आम आदमी पार्टी से हाथ ना मिलाए हरियाणा के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा है लोकल लीडर्स को कि वो अकेले ही ऐसे बहुत मजबूत हैं। कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाती है और इनको गठबंधन में लेती है, गठबंधन करती है, तो इससे कांग्रेस का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल जी की पार्टी 10 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन वो 3 सीट से ज़्यादा देना ही नहीं चाहते थे कांग्रेस के लोग। तो कहीं ना कहीं ये क्लेश हो रहा था। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हमारे जो कार्यकर्ता 5 सालों से तैयारी कर रहे थे चुनाव की, उनकी टिकट कटेगी तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ बगावत हो सकती है, और बगावत होगी तो बनी बात है उससे पार्टी को नुकसान ही होगा। इस तरह की बात सामने आ रही है अभी। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। अब सिर्फ 3 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। वो फरीदाबाद की NIT सीट है, महेंद्रगढ़ की सीट है, ऐसे ही एक सीट और है। टोटल 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए हैं, बाकी सीटों पर दे दिए हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसमें से कितने लोग अपनी जो टिकट मिली है इसमें जीत करा पाते हैं। तो क्या पिछली बार की तरह ही सीटें आने वाली या उससे बढ़कर आने वाली है? अगर पिछली बार की तरह सीटें आई, 5-6 सीटें अगर ये कम रह गए बहुमत से, तो ये मान लीजिए कि इनको बहुमत के मतलब ये फिर सरकार बनाने में बहुत समस्या आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि JJP वो अब शायद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए, क्योंकि उनकी पार्टी को ही लगभग ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके 10 विधायक थे, 10 में से 7 विधायक जा चुके हैं, 3 विधायक बचे हैं जिसमें 2 लोग तो माँ और बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला और उनकी माँ, और उनके साथ एक और विधायक बचे हुए हैं। तो टोटल 3 विधायक हैं वो लोग, बाकी 7 जा चुके हैं। और इसको ये जो गए हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़े हैं, कुछ गए हैं कांग्रेस की तरफ। इससे दोनों पार्टियों का तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन JJP का नुकसान हो गया है। तो JJP अब मुझे नहीं लगता है कि वो एक बार हिम्मत करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने की, क्योंकि उसको लग गया कि कहीं ना कहीं नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन में जाने में। सरकार चलाई उन्होंने, हालांकि उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी कि चुनाव लड़े, चुनाव में अच्छी खासी उनको सीट मिल गई, 10 सीटें मिली, जिसकी वजह से वो राज्य में सरकार का हिस्सा बन गए और अच्छे से सरकार भी चल रही थी। दोस्तों, ये तो रही बात दुष्यंत चौटाला की। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का सभी जगह पर संगठन अच्छे से मजबूती के साथ नहीं तैयार हो पाया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर अच्छे से तैयार हो गया है संगठन। तो ये अब ये इनको देखना है कि कैसे उसमें ये और जान फूंक सकते हैं, कैसे ये और आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ और अगर अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।